तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं रेड गियर का A10 माउस का अनबॉक्सिंग। एक्चुअली ये एक गेमिंग माउस है, ये गेमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं तो ज़्यादा गेम्स नहीं खेलता, पर फिर भी नॉर्मल यूजर भी इसे यूज़ कर सकता है। तो ये देख लीजिए, ये हमारा पूरा बॉक्स है और यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट और भी बाकी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अभी ये देख लीजिए, ये है एक्चुअल माउस। और ये देखिए, ये अमेज़न की तरफ से एक लिखा आ रहा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वैसे ये रिवर्स में आ रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा उल्टा है। तो अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। बड़ा ही बेरहमी से खोल रहा हूँ। अभी ये सेलो टेप खुल चुका है, तो अभी हमें इसको फिर भी हमें थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमारा ये खुल चुका है। और ये जो सर्टिफिकेट है, ये आप वीडियो को पॉज करके पहले जाकर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सपायरी डेट वगैरह है सब लिखा हुआ है। तो चलिए अब इसे खोलते हैं। तो यहाँ पर इससे हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है कार्डबोर्ड पैकिंग है एक। तो यहाँ पर ये हमारा कार्डबोर्ड पैकिंग को हम खोलते हैं। ये बहुत ही टफ है खोलने में एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने मेरा माउस को खोल लिया। अब यहाँ से एक्चुअल प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रेड गियर का A10 माउस है। मुझे ये मंगवाने का बहुत शौक था पहले से। पहले ये सब हम क्लियर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये है आप मेरा रेड गियर का A10 माउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो वो स्क्रॉल बटन वाला है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वाला भी बटन है। और यहाँ पर आप DPI मैनेज कर सकते हैं। तो और अब ये देख लीजिए, खोलता हूँ। तो ये देखिए, ये है आप ये की फंक्शन मैप, उसके बाद साइज, और ये एक वार्निंग लिखा हुआ है। तो मैं वार्निंग पढ़ देता हूँ। डू नॉट अटेम्प्ट टू ओपन सर्विस और मॉडिफाई द माउस। क्लीन द माउस ओनली यूजिंग ओनली अ ड्राई क्लॉथ। डोंट यूज अल्कोहल और डिटर्जेंट। कीप इट अवे फ्रॉम फायर। ये तो सबको पता ही होगा, तो ये बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रेड गियर की तरफ से एक स्टिकर है, तो आप इसे कहीं पर लगा भी सकते हैं। मैंने ये खोल दिया है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए, तो ये है हमारा एक्चुअल माउस। आप देख लीजिए इसे पूरा पहले। तो अब यहाँ पर एक DPI है, मतलब सॉरी DPI नहीं, USB है। तो इस USB पोर्ट को मैं खोल नहीं सकता, तो मेरा पापा मेरा थोड़ा मदद करेंगे।
आप देख सकते हैं ये मेरा लैपटॉप है और यहाँ पर मैं इस माउस का टेस्टिंग भी करने जा रहा हूँ। तो अब इस अब मैं अपने लैपटॉप को स्टार्ट कर रहा हूँ और इस USB को इससे कनेक्ट करते हैं। तो देखते हैं लैपटॉप में ये कैसा रिजल्ट करता है। तो यहाँ पर हम इस USB को कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए। और देखिए ये माउस कितना सुंदर से ग्लो करने लगा, RGB लाइटिंग है तो आप देख सकते हैं। तो मेरा जो कंप्यूटर है उसमें थोड़ा डिवाइस हमारा कनेक्ट हो रहा है। और ये देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है हमारा माउस। और आप देख सकते हैं तो ये देखिए ये माउस नॉर्मल माउस से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि आप मेरा टॉप 5 वेबसाइट के रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हैं कि नॉर्मल माउस इससे बहुत ज़्यादा स्लो है। तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अच्छा माउस भी है। तो अगर आप भी इस माउस को ख़रीदना चाहते हैं अमेज़ॉन से तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।